अरुण ये जो फिल्म है मिस्टर कबाड़ी, ये हमारे लिए एक ओमपुरी जी की तरफ से तोहफा है, सौगात है। तो हमने सोचा कि फिल्म रिलीज़ करने से पहले हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, क्योंकि वो हमारी फिल्म में सिर्फ एक एक्टर की हैसियत से नहीं थे, एक एक चीज़ पे ध्यान रखते थे फिल्म के, और उनके बहुत बड़े सहयोग से ही ये फिल्म बनी है। उनकी पत्नी सीमा जी ने इसको डायरेक्ट किया है, तो एक और ख़ास बात इसमें यह भी है, उनके ही परिवार के सीमा जी के भाई अनु कपूर भी इसमें हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की चीज़ है कि ऐसे ऐसे कलाकार हमारी फिल्म में हैं जिनको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, भीड़ उमड़ती है। हमारे पास विनय पाठक हैं, अनु कपूर, ओमपुरी जी, सारिका, तो मुझे विश्वास है कि लोग इस फिल्म का बहुत मज़ा लेंगे। थैंक यू सर। एक मिनट वेट, विजुअल चाहिए मुझे, विजुअल ले लेंगे। ये म्यूज़िक के लिए समर्पित है ये शाम। कल्याण जी भाई इतने दिग्गज जो हमारे संगीत के, हिंदुस्तानी संगीत में जिनका इतना योगदान रहा है, वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो लिरिसिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, इनको हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कल्याण जी भाई को, आनंद जी भाई को बुलाया है। आनंद जी भाई, हाँ जी, आज मेरे पास आ जा, मेरे पास या उधर। इस फिल्म की स्टोरी मुझे सीमा जी ने सुनाई, मेरे घर पे आई और मुझे कहा कि मैंने एक कहानी लिखी, आप सुनिए। इनको पता था कि मैं कभी कभी फिल्में बनाता हूँ, ये एक शौक है। तो उस वक्त मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा था लंच, तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, आप सामने बैठे, आप भी खाइए और हमको स्टोरी भी सुना दीजिए। तो कहने की नहीं, आप खाना खाते कहते नहीं सुन पाएंगे। मैंने कहा वो तो इसमें कुछ ऐसा है कि वह नहीं सुन। और हुआ भाई, आधी स्टोरी सुन के मैंने कहा कि रह दीजिए, मैं बनाता हूँ, फिर खाना खा लेते हैं। क्योंकि इसमें जो हीरो है हमारा, वो दुर्लभ शौचालय चेन खोलता है पूरे मुंबई में, दुर्लभ शौचालय, और उसमें एक शौचालय जो है उनका, उसकी जो ओपनिंग करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए उसको बुलाया जाता है, या पहन और इसकी ओपनिंग करिए और एक भजन गाइए। मैंने गया, इसमें भी भजन हो सकता है, लेकिन वो भजन भी ऐसा सही ओम छंगानी जी का, ओम छंगानी जी को ऐसे तो अपने बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने इनको जब एक दिन देखा तो मुझे लगा ये तो प्रोड्यूसर लगते हैं, तो इनको क्यों ना सच में प्रोड्यूसर बना दिया जाए। तो सच में इनको प्रोड्यूसर बना दिया, और ये पूरी फिल्म जो है वो इनकी देखरेख में ही बनी है। अब मैं आपको जो भजन है, वैसे तो आपने देख लिया, लेकिन मैं अभी जो आपको उसकी चार लाइन सुनाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि वो दुर्लभ शौचालय से कहां कनेक्ट होता है।
मन मेरा राम ही राम रखे, मन मेरा राम ही राम रखे, मन मेरा राम ही राम रखे, मन मेरा राम ही राम रखे। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ढूंढत ढूंढत दुर्लभ मिलिया तन मन हल्का, हर मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे। धर्म को भी स्टोरी के साथ पिरोया गया है बहुत तरीके से, वो ऐसी लागी लगनी है उसको पिरोया गया बड़े तरीके से गया है। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर अली गनी साहब यहाँ बैठे, जोरदार तालियां। तो इस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई, सीमा जी ने सुनाया। ओमपुरी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त आदमी हैं, क्योंकि उनको हम समझते नहीं चले गए, ऐसे रुक जाते नहीं, तो उनसे इतनी मित्रता थी। घर आते थे और कहते थे क्यों कैसी लग रही स्टोरी, मैंने कहा कमाल की स्टोरी, इसको फिल्म बनानी पड़ेगी। उनका रोल नहीं होता था उस दिन भी शूटिंग में बैठे रहते थे, पूरी निगरानी उनकी रहती थी। मुझे कहते थे कि देखो फिल्म बनाने में कई जगह मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें सीमा जी तक मत ले जाना, मुझ तक ले जाना। इतनी मोहब्बत, वो कहते थे इनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। और सच में कोई परेशानी इन तक नहीं पहुंची, जो पहुंची वो हम तक पहुंची और हम लोगों ने आराम से उसको निपटाया। फिल्म एक साल के अंदर रिलीज भी हो रही है। फिल्म का म्यूजिक बहुत खूबसूरत, आपने सारे गाने सुन लिए, कितने तरह के उसमें गाने हैं। जब ये फिल्म स्टोरी मैंने सुनी तो मैंने इनसे कहा कि देखिए इसमें कहीं भजन की जगह नहीं है, भजन मत रखिएगा। नहीं कहती है, सच में बना दीजिएगा, जगह उसमें निकाली थी। हमारी फिल्म से संबंधित जो लोग हैं वो तो सब यहाँ हैं ही, लेकिन जसविंदर जी आए हैं सोनाई सो, जसविंदर जी ने अपनी गाला प्रीति भुल्ला। तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों की जो एक बिरादरी है कलाकारों की, वो ये नहीं देखती है कि हम इससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये हम लोग हैं, हम सब एक हैं और हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सब ने इसे अपना समझा है, हमें अपना समझा है और यहाँ पर तशरीफ लाए। ख़ास तौर पर आनंद जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद भाई के लिए मैंने फिल्म में गाया था, एक फिल्म बनी थी नास्तिक, उसमें अमिताभ बच्चन जी होते, उस फिल्म में ऑलमोस्ट सारे गाने मैंने गाए थे। तो मुझे बहुत अच्छी जगह रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पर सही मेरे लिए जगह देखते थे, कई फिल्मों में गवाया और बहुत से प्रोग्राम्स में मुझे लेके जाते थे आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई मिलकर दोनों आते थे। कहीं कहीं आनंद जी भाई नहीं आ पाते थे, लेकिन कल्याण जी भाई ज़रूर चलते थे, चाहे कोई छोटी महफिल हो या बड़ा स्टेज हो, मुझे लेके जाते थे। एक बार मुझे आबू लेके गए ब्रह्म कुमारी समाज, तो वहाँ पर उनका एक नया ऑडिटोरियम बना था जो आज भी एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, तो उसकी ओपनिंग पे हमको लेके गए थे और मुझे वहाँ पेश किया था। तो हमको भी इनिशियल स्टेज पर बहुत सपोर्ट किया है और मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। अब कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि सीमा जी फिल्म को बताएं। बच्चा क्या है अनुज जी? स्टोरी और घटना तो बताई दी है अनुज जी ने कैसे ये हुआ, लेकिन जो अनुज जी का भजन है, एक दिन पूरी साहब ऐसे ही लेटे हुए थे, मैं अपना स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, तो कह लगे कि सीमा
अनूप जी फिल्म बना रहे हैं तुम्हारी और अनूप जी का कोई भजन नहीं है। मैंने कहा अब इसमें कहाँ कैसे करेंगे अनूप जी का भजन। बोले सोचो, मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। मैंने कहा भजन एक ही जगह हो सकता है कि उद्घाटन हो, और हमारे चूंकि ये फिल्म इंसानी हर चीज के बहुत करीब है जो चीजें टैबू समझी जाती थी, जो चीजें ऐसी समझी जाती थी कि जिन पे हम सभ्य समाज में बात करना गलत है, अभी आज आज जो युग आ गया है, यंगस्टर्स का युग आ गया, वो हर तरह की किसी भी तरह की ना वर्जनाओं से वो दूर है, वो हर तरह की बात करते हैं। तो मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन मानसिकता मेरी यंग है कि हम उन चीज़ों पे भी बात करें जो वर्जित हैं, जो कहते हैं कि जी नहीं, ये आप शौचालय पे बात क्यों करेंगे, आप ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जबकि बोलचाल की भाषा में घरों में जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास छोटे कस्बों में वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमारे बुजुर्ग भी करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, शब्दों से इतना परहेज क्यों। और कोई अश्लील नहीं है, हमारी जिंदगी से जिनका लेना देना है। अगर हमारा हीरो, बहुत पहले मैंने एक प्ले पढ़ा था मॉलियर का, बूर्जुआ जेंटलमैन, तो उसमें रैग्स टू रिचेस वाली कहानी थी कि एक आदमी अगर एक ही दिन में अमीर बन जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये शुरू होती है कि अमीरों की तरह कैसे बिहेव करें, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी उसको जाना होता है आपको, या खानदानी हो। तो वो कहानी थी कि आप अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी पास्ट को छुपाने के लिए आप कितनी फनी हरकतें करते हैं। तो इसमें पुरी साहब का बड़ा अच्छा कमेंट था, बोले एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोचे और जितनी बार वो सीन सुनते थे उनको बहुत अच्छे, मेरी तारीफ करते थे, उनसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में किसी ने तारीफ नहीं की है, हर चीज़ की तारीफ करते थे मेरी और बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो कहने लगे कि फिल्म तो है बदबू पे, लेकिन इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये फिल्म तुम्हारी सफल ज़रूर होगी। तो अनूप जी के साथ, ओम जी के साथ, पुरी साहब के साथ, उनका जो हौसला था उसके साथ ये फिल्म बनी, और उनके जाने के बाद भी उन्हीं के हौसले से, और किसी के हौसले से नहीं, उन्हीं के हौसले से फिल्म यहाँ तक आई है। उसमें वरना इतनी जल्दी ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, कोई डिवाइन फोर्स है, वो है पुरी साहब की, विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ जिन्हें देना चाहिए था उन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसके बावजूद ये फिल्म यहाँ तक आई है, और ईश्वर और पुरी साहब की कृपा से ये फिल्म लोगों को, लोगों तक जाएगी और लोगों को पसंद भी आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है, हमारी फिल्म के गाने आपने सुने, आपको लगा होगा कि गाने आज के दौर से कुछ डिफरेंट है, इसमें मेलोडी है, इसमें सूफी टच है, इसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी है, और इसमें भजन सम्राट का कॉमिक भजन भी है, जो पहली बार उन्होंने कॉमिक भजन ही गाया है। एक मोमेंट तो देखिए, अरे पुष्कर पीछे बैठ, पुष्कर, ये पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर मैं पीछे, ये पुष्कर, पीछे, पीछे, पीछे आटी मार गया, आह एकदम आगे आगे जाते रहते हैं, पुष्कर, 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 हम गनी मोहम्मद सर को बुलाएंगे, अली साहब को, गनी मोहम्मद जी जिन्होंने इस फिल्म के 3 गाने किए हैं, और शबीर, शबीर जी को सब, समीर, समीर, समीर प्लीज, समीर गनी प्लीज आइए। और जो आपने कव्वाली अभी सुनी वो गनी सर ने गाया है, तो और वो जो कव्वाली है निखिल कपूर जी ने लिखी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो भी। और शेरदिल से रिक्वेस्ट करूंगा जो कव्वाली जिन्होंने साथ में गाई वो भी स्टेज पर आए।
अच्छा गनी सर वो एक लाइन जरूर आपकी गाय आपका आशीर्वाद बहुत है वही चाहिए हमारे जो बचपन से हम लोग गाने सुन सुन के गाने सीखे जो भी है ये शाम गजब की आई है महफिल पे जवानी छाई है ये शाम गजब की आई है महफिल पे जवानी छाई है ये शाम गजब की आई है ये शाम गजब की आई है महफिल पे जवानी छाई है आपके आने से महफिल में जवानी छाई है आपके अंदर भी जवानी छाई हुई अभी भी माशाल्लाह थैंक यू थैंक यू क्या बात है गनी मोहम्मद साहब आप तो छा गए तो इस कव्वाली की रूह निखिल कपूर जी जो सीमा जी के छोटे भाई हैं और अनु कपूर जी के छोटे भाई हैं बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने सभी मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी पूरी फिल्म की हौसला अफजाई करने आए इत्तेफाक है कि मैंने इसमें गाना लिखा है गाना मैं नहीं भी लिखता तब भी फिल्म मेरी होती और एक बात और थी मेरी सिस्टर ने जब कहा कि यहाँ फेलिसिटेट करेंगे यहाँ तो मैंने ये पूछा था कि सम्मान देने कौन आ रहा है अगर आज का कोई म्यूजिक डायरेक्टर या आज का कोई करोड़पति सिंगर आता तो मैं इनाम नहीं लेता आपके दर्शन ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था भी यकीन नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुप जी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक में हम आगे निकल गए हैं और गणपति बप्पा साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर भी मैदान मारेंगे कवाली के दूसरे सिंगर शेर दिल ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरी कि मैं इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ तो इस कवाली की एक लाइन है वही मैं गा देता हूँ थोड़ी सी ये बात सुनी सुनाई है चुप रहने में ही भलाई है चुप रहने में ही भलाई है ये शाम गजब की आई है महफिल पे जवानी छाई है अभी इन्होंने भी एक एक गाना जो है बहुत खूबसूरत गाया है सैड वर्सन उसका कौन सा गाना था तेरा इशारा दे दे जो जावेद अली ने गाया है और सैड वर्सन समीर ने गाया है समीर बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और गनी साहब का पुत्र है ये सर
सारे गामा पा का लिटिल चैंप बना हुआ है सभी। मैंने ये सौभाग्य पहले पा लिया है आपसे, आप एक कॉलेज में ऐसे गेस्ट आए थे वो, और वो कॉलेज में मुझे इनवाइट किया था परफॉर्म करने, तो मैं उस वक्त पे काफ़ी छोटा था और वो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं आपके गानों का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उस बात को मैं जाहिर नहीं कर सकता शब्दों में। तो मैं अब गाना तो इतने बड़े लोगों ने गा दिया तो मैं क्या गाऊँ ये गुस्ताखी ज़रूर माफ़ करें प्लीज। अखियां वे अखियां वे रंग बसेरा रस्ता निहारे तेरा, तकियां वे तकियां वे रूप सुनेरा सपना सजा के तेरा, एक बार तो आजा दिल जोड़ म्यूजिक अली गनी की जोड़ी ने दिया है भैया, जो तो अली अली साहब आज नहीं कर सॉरी ये जो गाया ना इसे ही वही गाया जाता है, तेरे बिना जीने का सहारा नहीं है, हम गाते हैं उसमें सारा सिर्फ सांस का होता है, तेरे बिना किया नहीं सही पीछे जो गा रहे हो सही है गाते हो क्या बात है आनंद जी। तो तीन गाने अली गनी साहब की टीम ने दिया है, तो आज अली साहब यहाँ नहीं है तो उनके बदले उनके पुत्र अमजद अली ये हैं, उनको मैं बोलूंगा कि वो स्वीकार करें। हमारा सबसे पॉपुलर गाना जो हुआ है नैना लागे, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जो शाम इसका संगीत दिया है, और इसके साथ साथ उसमें तीसरे सिंगर जो है वो विक्रांत भरतिया वो हमारे बीच है। नैना लागे सॉन्ग की रूह समीम शाह वो लिरिसिस्ट है, समीम शाह के लिए जोरदार तालियां।
ये विक्रांत भारती जी है हमारे सिंगर। मेरा जो पहला गाना था इंडस्ट्री में जिसके लिए मुझे 2014 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला था, तो वो सॉन्ग भी विक्रांत भारती जी ने गाया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी भजन तो मैं आनंद जी भाई के हाथ से अनुप जी बिल्कुल बचाया सर, अनुप जी को दिलवाऊंगा। खास तौर से एक अच्छी बात मुझे ध्यान में आई है कि आपने देखा होगा इतनी बड़ी मीडिया सामने है कि म्यूजिक को और लिरिक्स राइटरों को फिल्म रिलीज होने से पहले इस तरह का सामान शायद आज तक नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है यार। थैंक यू। अच्छा ट्रॉफी मोमेंटो तो हो गया सर, आशीर्वाद दीजिए अपना। अनुप जी ने कल मुझे बोला कि आना है आपको और कि कुछ अवार्ड देने सबको, तो बोला फ्री था मैं घर पे बैठे से भी बोला कि चले जाओ, तो आ गया यहाँ पे। आने के बाद बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि नई टैलेंट को इतना जो एनकरेज किया है और नए नए सिंगर सब ही अच्छा गा रहे हैं। आप तो कपड़ों में चेंज हो गई हो वैसे, गला बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्या बात है। अभी इनके आपका नाम भूल गया, इधर भी उम्र हो गई, लड़कियों के नाम याद रह जाता आपका नाम। राजप्रकाश जी को मैंने देखा तो मुझे अपने दिन याद आ गए कि जब हम ले रहे थे और जब फिल्म हो तो बड़ी उलझन होती थी, गाने क्या हो उसका नहीं कपड़े क्या पहन के जाए। तो उनका भी ये देखा कि कब से लगे हुए हैं कपड़े। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो हमारे शहर में नागपुर में कल्याण जी आनंद जी नाइट था और बहुत महंगे टिकट्स थे, वहाँ पे पूरा क्राउड था। बहुत मुश्किल से मैंने ब्लैक टिकट निकाल के शो देखने गया था कल्याण जी आनंद जी, रात को आया था, लेट और बीमार भी पड़ गया था, पर सोचा था बंदा ऐसे बीमारी हो सकता है, सोचा था बंदे और उसमें कुछ होता है उसको मर भी होता है। तो इस पिक्चर में मुझे लगा कि जब कबाड़ी का सुनो और ये सुना के हुई है इसमें शौचालय की बातें क्या है, जो बोले ये गाना जो होता सब कल को लेते सब बोले ये गाना जब लोग आती है आती नहीं उसको कैसे भूल गया, आती है आती नहीं आती क्या आती नहीं, तो उसको भी पॉपुलरिटी एंगल हुआ क्या? हाँ कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं है, अभी भी डाल सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी होता है। लेकिन आई थिंक सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कॉमेडी वे में इसको ले जाया गया है और जिस तरह से सुना मैंने म्यूजिक भी इतना अच्छा इस पिक्चरों में मिल जाए बड़ी बात है। बड़ी बड़ी पिक्चरों में इतने अच्छे गाने नहीं मिलते इसमें मिलेगा और इसका श्रेय आपको बता सकते और जो जिनको आपने चुना है सबको गनी को तो मैं कब से मिला इतना अच्छा गा लेता ही पता ही नहीं था, जब बात है तभी भी पता नहीं चला मुझे। आप तो गए हैं रियली गुड सिंग, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड एंड देयर इज अ गुड फ्यूचर ऑफ एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप भी लोग हैं और जिसमें थोड़ा सा फिजिकल किसी दौरा लेके आ रहे हैं तो चलेगा ही जरूर चलेगा। आनंद जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी वे सोनर की आप यहाँ पर हैं और ये बताना चाहूँगी आपका गाना आज भी फिल्म में इस्तेमाल हो रहा है। हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी, यहाँ प्यार जिंदगी
मैं किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, हम उनके सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने बार ये तो मैंने ये दौर जो आप हिम्मत करके शुरू किया है, बड़ा काम अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह बना दी जाइए, मगर इस पिक्चर को छोटा मत समझिएगा, इसको धमाके के साथ रिलीज कीजिए, पब्लिसिटी इन गानों को पहले लगा दीजिए, इसको कंसिडर एज ए गोवा, जो गोवा में गोवा ऐसे किसी को पता नहीं था, लेकिन ऐसे चलिए हो पिक्चर इस तरह से भी करते हैं, इसमें काफ़ी मजा आया। और एक ग्रुप पिक्चर के लिए फाइनल पिक्चर जगह तो हम फोटो लेवा।